एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया, खैरियत, मज़े में? तो जी हाँ गाइस, मुझे पता है 6-7 दिन बाद ब्लॉग आ रहा है। क्यों आ रहा है मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल असेसमेंट्स बहुत सारे थे, मतलब यानी कि पेपर्स बीच में आ गए थे और फिर मैच भी थे, तो वैसा कुछ था तो टाइम बिल्कुल नहीं मिला। मैंने मेरे बॉडी को भी रेस्ट नहीं दिया है प्रॉपर, जो नींद होती वो भी नहीं हुई है। सिर्फ पाँच छः घंटे डेली की मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिल रही मुझे नींद, और वैसा कुछ था तो इस वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे थोड़ा टाइम, मतलब 6-7 दिन। पर अब मैं भी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर 2 दिन में एक व्लॉग तो आ ही आए। तो गाइस आज है पहला व्लॉग जिसमें मैं आपको क्लास रूम दिखाने वाला हूँ, मतलब हम लोग कहाँ पे जाते हैं पढ़ने वगैरह के लिए, क्योंकि हमारे अकेडमिक ब्लॉक जो बोलते हैं अकेडमिक ब्लॉक, जहाँ पर सारी एग्ज़ाम्स, हमारा मैथ्स वगैरह या हमारी क्लासेस सारी वहाँ होती है, तो वहाँ पे 4 बिल्डिंग है। हम लोग कौन सी बिल्डिंग में जाते हैं और क्या क्लासरूम है आज और कौन सी क्लास है, और कुछ अलग लोगों से भी मिलेंगे आपको, और साथ में संदीप भैया से भी मिलेंगे। संदीप भैया मतलब हमको अगर नींद आती है तो उनकी कॉफ़ी बेस्ट है, समझो। तो ऐसा कुछ है, तो फिलहाल बज रहे हैं 10:15, मेरी अगली क्लास है 10:40 की, तो मैं होता हूँ फटाफट तैयार, फिर आप लोगों को मिलता हूँ। और ये मेरा रूम है, रूम का टूर भी आप लोगों को जल्द मिलेगा। तो चलिए इस खूबसूरत ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मैं हुई हूँ तैयार बिना नहाए जाए, यही तो खासियत होती है लड़कों में कि जब देखो तैयार हो गए, और अब 10-20 मिनट बाकी है यार, उसमें कहीं तैयार हुआ मैं, कहीं नहाने जाऊँगा। तो मैंने फटाफट कपड़े पहन लिए हैं और आके नहाऊंगा, क्योंकि शाम को वापस नहाना पड़ता है क्रिकेट प्रैक्टिस के बाद में, तो वैसा कुछ है। फटाफट चलते हैं, अगर बाल ढंग के नहीं बने हैं तो मैं अभी एक काम करूँगा, टोपी पहन लूँगा ताकि धूप से बच जाएंगे, और समझ रहे हो किस चीज़ से, तो वैसा कुछ है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, और भाटिया अभी सो रहा है, उसको भी उठाना पड़ेगा, ये इधर सो रहा है, ठीक है, ये भाटिया सो रहा है, क्लास के लिए उठ ही नहीं रहा। चार यहाँ तक, तो वहाँ जम जाएंगे क्लास के लिए और उसके बाद में चलते हैं, पर पहले कॉफ़ी लेंगे भाई, क्योंकि हो रहे हैं 10:34 और कॉफ़ी नहीं पियेंगे तो दिमाग चलेगा नहीं क्लास में। तो सब कुछ पहले चलते संदीप भैया के पास में, मिल गया हमारे संदीप जैसे भैया, ये कॉलेज में इनकी बेस्ट कॉफ़ी, ठीक है। मैं तो थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, जूम बैक कर लेता हूँ, और इनको पता है, मतलब हर बंदे की शक्ल के हिसाब से पता है उनको क्या चाहिए, कितना शुगर चाहिए, कितना कुछ चाहिए। और संदीप भैया क्या बोलोगे, कितने साल जानते हो मेरे को, कितने साल से जानते हो मेरे को? मैं आपको जानता हूँ 4-5 साल के बाद। जा ही नहीं रखी यहाँ से, 6 साल जा ही नहीं रखी यहाँ से, नहीं ऐसा नहीं है। तो ऐसा कुछ है, अभी फिलहाल वहाँ पे बहुत कुछ और भी है खाने को, और ये कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, ये दूसरी मशीन है बीन्स वाली, तो ये अपन ब्रेक में आएंगे लेने वापस, अपन मिलते हैं, अभी चलते हैं फटाफट। गाइस मैं आपको बताना भूल गया, कॉलेज वालों ने अभी रिसेंटली अनाउंस स्टूडेंट काउंसिल बहुत मतलब मिस करते हैं, उनको ये पैकेट देने चालू किया है, यानी कि मतलब जिन लोग बच्चों ने ब्रेकफास्ट मिस किया है उनको पैकेट मिल जाएगा, और मेरे साथ में संदीप से कॉफ़ी ले ली थी, तो मेरा हो गया नाश्ता क्लियर, और प्रोफेसर आ गई है, क्लास मेरी मेरी, तो फटाफट अंदर चलते हैं, फिर अंदर से आपको मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, पर आप स्नैप क्लिप्स देख सकते हो। इंट्रोडक्शन तो दे रहा है, तेरा इंट्रोडक्शन तो दे, नींद आ रही है, क्या हो रही है, नींद आ रही है। पूरी क्लास में 30 बच्चे हैं ऑन कैंपस और 3 आए हम, 10% Because as to what you understand by ideas,
administrative discretion and then posts are given in a way. What is administrative discretion? तो गाइस मीट निंगा निंग फ्रॉम कहाँ से तू मणिपुर से लास्ट जो व्लॉग आप देखा था होली वाला उसमें ये नहीं था क्योंकि इसको होली खेलना पसंद नहीं है ये पढ़ रहा था ठीक है चलो नहीं पढ़ रहा था सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ खुद के स्टेटमेंट्स को तो गाइस यहाँ से जरा देखिए पूरा फ्लैग पोल यहाँ से जो लुक आता है ना फ्लैग पोल का वो कहीं से नहीं आता और ये देखो गले में डाल डाल के घूम रहे फिर हम लोग वापस जा रहे हैं ब्रेक पड़ा है अभी क्लास का तो फिलहाल गोइंग टू संदीप भैया पीस ये लेगा रेडबुल मैं लूँगा कोल्ड कॉफ़ी और कुछ लेगा तो नहीं यार आज कॉफ़ी ले रहा गला ख़राब है तो इतना ही लेते हो गला ठंडा क्यों ले रहा होता है भाई वेदर देखो भाई वेदर गर्मी है ब्रो ये तो कुछ भी नहीं है ये तो कुछ भी नहीं है अभी तो अप्रैल और मई में तुम देना तुम्हारे यहाँ पे तंदूर ही बनोगे तुम यहाँ पे चलोगे निकल कहाँ जाओगे फिर हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे देखें ऐसा कुछ है तो गाइस ये है कुछ हमारा ग्राउंड्स और ये स्विमिंग पूल वगैरह यहाँ पर है फिलहाल क्रिकेट ग्राउंड ये रहा ये फुटबॉल ग्राउंड है और वो बास्केटबॉल ग्राउंड वगैरह है और सबसे पुराना पहला हॉस्टल मेरा वो था मेरा पुराना जब लास्ट कोविड से पहले इसमें थे वो याद था SS9 इसमें 630 रूम नंबर था मेरा और पार्किंग वगैरह का लग रहा है अब लग रहा है मज़ा आ रहा है पर वहाँ पे फिलहाल एक और नया हॉस्टल बन रहा है और ये कुछ फैकल्टी का बन रहा है मुझे इतना पता नहीं फैकल्टी ऑफिस है और यहाँ पर पूरा एक इंडोर स्टेडियम बन रहा है तो ऐसा कुछ है फिलहाल एट द मोमेंट और काफ़ी मज़ा आएगा तो लेट्स सी वगैरह कैसा कुछ है रहता है और देखते हैं फिलहाल जाते नीचे चले गए यार चोर लोग साले क्योंकि छोड़ के अच्छा हो गया इधर मेरे को लगा तुम चले गए तुम मेरे को लगा निंग तो चला गया लिफ्ट नहीं है कहाँ जाएंगे गाइस भीड़ देखो कितना है अपन जब मैं आपको दिखाया तब पूरा खाली था फिलहाल कॉफी चाहिए मेरे को पहले तो पेमेंट तो कर हो गया भाई इसका भी हो गया मेरा भी हो गया क्या पेमेंट चलो ठीक है वैसे मैंने ली है कोल्ड कॉफ़ी एक हीरा और संदीप भैया पर इनके लिए कॉफ़ी निकलवा दे पेमेंट तो कर लिया कॉफ़ी नहीं आई इनकी अभी तक तो गाइस फाइनली क्लास ख़त्म हो गई है और वो जो ब्राउन बैग लिया था ना निंग ब्राउन बैग में से कितना जूस का पैकेट निकला है मतलब इतना पैसा लेने का आदमी है ना रेलवे वाले और सरकारी हरकत नहीं छोड़ी इन लोगों ने इतना बड़ा जूस का पैकेट है ना कि मेरे को पीने का मन नहीं कर रहा लग रहा बस देखते रहो कि भैया हो जावे और वो देखिए एक मिनट पीछे इंडिया का फ्लैग क्या लग रहा है सेक्सी यहाँ से एक फ़ोटो तो बनता है इसका ये मेरी शक्ल नहीं आ रही ढंग से यार हाँ यहाँ आएगी देखो आप लोगों को पहले मैं दिखाता हूँ मेरी सबसे पहली हॉस्टल कौन सी थी जब मैं पहले बार यहाँ पे आया था ना तो अभी जहाँ से मुझे हॉस्टल में उसके जो सामने वैसे तो पर फिलहाल यहाँ से मैं आपको बिल्डिंग जरूर दिखा सकता हूँ ये जो बिल्डिंग दिखती है ये SH1 है ये वाली बिल्डिंग जो दिख रही है बिल्कुल ये एक मिनट ये वाली ये सामने जो वो है अपना क्या बोलते हैं उसके पीछे वाली वो SH2 है वो थी और फिलहाल यहाँ पर हुआ करता था हमारा फूड कोर्ट पर अब यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नया टर्मिनल ब्लॉक आ रहा है वो तो वैसा कुछ है फिलहाल और ये देखिए नया ब्लॉक है टर्मिनल वाला T4 है ऐसे तीन है टर्मिनल 1, 2, 3, 4 ये 4 है हमारा क्लासरूम 115 है और शक्ल दिखाइए निंगा एक बार निंगा शक्ल दिखाइए भाई चलो नींद में लग रहे हो कितना नींद में लग रहे हो तुम रात में सोता नहीं हूँ दिन में सोता हूँ मत करा करो तब बम्बल टिंडर यूज़ नींद आ जाएगी रात को क्या स्मेल है तो बता स्मेल तो भाई नाले की अबे नाले की नहीं वो फिल्टर वाटर है पी ले जाके तू भाई यार अबे वही अपना ही सीवेज फिल्टर होके वापस आ रहा है घास को पानी मिलता है और उसी घास में तू बैठता रात को
ऊपर से काला कपड़ा पहना हुआ है और चल रहा हूँ। अब आया मजा। क्या क्लासरूम पे बैठे रहते शाम तक? तो मैंने बोला था तेरे को, मैंने आइडिया दिया था। नींद नींद आ रही है मेरे को। तो क्या हो गया? डेस्क पे था ही, एक डेस्क पे तू लेट गया था, दूसरे पे मैं। बेड चाहिए, बेड। हाँ बेड चाहिए, पिलो। अब उसके लिए तो भाई देख, तेरे को गर्मियों में जाना हो ना तो फैकल्टी हाउसिंग बेस्ट जगह है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर। नहीं नहीं ये सामने आ रहा भाई, इसमें ये स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि ज़्यादा गर्मी होगी ना तो भी उनको अंदर गर्मी नहीं लगेगी, ठंडा रहेगा वो अंदर से, और ज़्यादा ठंडी होगी ना तो भी अंदर ठंड नहीं लगेगी, यही तो करना। गर्मी रहेगा पर बाहर जाओ, LLM करो, आओ जिंदल में, फैकल्टी बनो, इधर 4 लाख महीने भाई। आइडिया अच्छा है, आइडिया अच्छा है, रिकवर अमाउंट रिकवर होएगा भाई। इंडिया का हाईएस्ट पेड प्रोफेसर इधर ही मिलते होंगे तुमको। बिल्कुल, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। हाईएस्ट पेड फैकल्टीज भाई 4-5-6 लाख ऐसे मिल जाएंगे। 4-5-6 लाख महीने के? आई चेक प्रोफेसर्स गेट अराउंड 4-5 लाख बेस सैलरी भाई, बोनस ऊपर आएगा भाई। ओ माय गॉड, मैं तो पक्का आ रहा हूँ भाई। प्रोफेसर्स की बात करो। हाँ हाँ, तो एसोसिएट प्रोफेसर करते तो 2-2 लाख, 1.5-2 लाख तो रहेगा ही रहेगा आराम से। सो स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख के ऊपर है भाई। बिल्कुल, इतना तो मैं प्रैक्टिस करूँगा तो भी नहीं कमाऊंगा यहाँ आके। क्या कहता है, LLM करो बाहर, इधर आ। सही सही, हफ्ते में 4-8 क्लासेस लेके, हफ्ते में 8 क्लासेस लेके मैं खत्म। बच्चा बोलता है ना हफ्ते में 10 क्लास लेता था वो। तो गाइस शाम के बज गए हैं 4:30 और फिलहाल GCL का यानी कि जिंदल क्रिकेट लीग का मैच चालू है, निज़ाम साहब बारबेरियंस का। तो वहाँ जा रहा हूँ अंपायरिंग करने, लेग अंपायरिंग इनफैक्ट, और देखते कैसा कुछ है। फिलहाल निज़ाम्स टेबल टॉपर्स है और बारबेरियंस लास्ट पोजीशन पे है, 6 टीमों में 6 टीम वो है 10 पॉइंट्स टेबल में, और हम भी थे, नवाब्स भी थे हम लास्ट पर। हम लोग कल का मैच जीत गए, पर एक गेम का आपको मैं ब्लॉग पक्का बना के दिखाऊंगा, तो तब तक के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल आप एंजॉय कीजिए जनरल क्रिकेट लीग का मैच। मैं फटा जाता हूँ क्योंकि जो अंपायरिंग अभी कर रहा है उसका है क्लास, तो वो निकलेगा उसके लिए। आप लोगों ने मैच देखा, क्या सही मैच हुआ है, और जो टीम मैच आता था ना जीते मैच, वही टीम मैच जीती है बारबेरियंस। मतलब हमारा बदला, हम जिससे हारे निजाम्स उसको हराया है, तो रिवेंज पूरा किया है। मस्ती कर रहा हूँ, निजाम्स मेरी सबसे फर्स्ट टीम थी जब मैं जिंदल में आया था, तो मैंने फर्स्ट टीम यानी कि फर्स्ट GCL मैंने निजाम्स के साथ खेला था, तो उसके लिए गलत बात नहीं, पर मैच होता है, बाउंड्री लाइन के अंदर सब इक्वल है, तो ऐसा कुछ है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ संदीप भैया के पास में चाय वाय लेने, और फिलहाल वो देखिए ज़रा फ्लैग हो वापस से नीचे ला दिया गया है और पैक हो रहा है वापस से, यानी कि उस ड्रम में जहाँ पे जिस पर रहता है वो चीज़। लेट लतीफ, दोनों के दोनों लेट लतीफ, और तो तू 1 घंटा तैयार हो गया ही है। 1 घंटा? हाँ, उसके इसके हिसाब से। अरे मैं सुबह, हाँ उठी नहीं, शाबाश, वेरी गुड। तो 8 AM तो मैं भी नहीं गया, 8 AM आज 8 AM थी ना, मैं नहीं गया। हाँ मैं भी नहीं गया था, अभी ब्रश किया मैंने। सुगली इसने हमें इसके लिए बुलाया, बिल्कुल इसके लिए बुलाया, बिल्कुल मार्क्स मिल जाएंगे अपने आप, मार्क्स मिल जाएंगे अपने आप, कुछ नहीं, मैं दिलाऊंगा मार्क्स, मैं दिलाऊंगा बिना। बहुत ज़्यादा लेट आएगी पता तू, मैं 1 घंटा खड़ा हूँ यहाँ पे 1 घंटे से, अब ये सब डालेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोग तुम्हें देखें तो बोले लेट लगती है। हाँ अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और कुछ हट लाओ।
आराम से अपना टाइम ले। कॉर्नर हो गया, कॉर्नर के तो बहुत बहुत बढ़िया।